मुझे बाइक मिल गई है, बाइक लेके जा रहा हूँ मैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार है उसने। सो इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या परेशानियां होती है बाइक खरीदने में दूसरे स्टेट में। सो आज डे टू है, मतलब इससे पहले मैं बाइक लेने आया तो उस दिन डिलीवरी हो जाता अगर पैसे चल जाते तो। और मैं आया था सैटरडे को, आज है मंडे। सो पैसे ट्रांसफ़र हो गए NEFT के थ्रू। तो रेंटल एग्रीमेंट है मेरे पास, तो उससे अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा मिल दे दिया जाए तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा, नंबर प्लेट वगैरह भी मिल जाएगा। सो वही एक्स्ट्रा पैसा का बात है। ये बाइक मिल गई है, बाइक लेके जा रहा हूँ मैं अभी। इंश्योरेंस वगैरह रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन होने में प्रोसेस लगेगा 10-12 दिन, तब तक पुलिस से बचना है। तो ये गाड़ी है GT 2022 की, न्यू एकदम लग रही है। तो अभी इसको लेकर चलते हैं। घर वाला तो कोई है नहीं, मम्मी वगैरह तो पूजा वगैरह करे, बस प्रणाम कर लेते हैं और निकलते हैं। और ये मैंने खुद की कमाई से ख़रीदा है। तो अभी जस्ट मैं अपने अपार्टमेंट आ गया, अपार्टमेंट आके गाड़ी यहाँ खड़ा कर दिया है। बाइक लेने के बाद जो वो शोरूम में जो सेलिब्रेशन होता है, वो कवर हटाने के बाद, वो उस तरह से बम्पर फोड़ने के बाद एकदम जो बाइक लेते एकदम अच्छा वाला फील आता है, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। वैसा उन लोगों ने कुछ अरेंज नहीं किया केक वगैरह या वैसा कुछ, पता नहीं, या तो बोलने से होता है या फिर पता नहीं खुद से अरेंज करते, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैं पहली बार बाइक ले रहा था खुद के पैसे से, खुद जाकर, तो पता नहीं चला। सो कोई बात नहीं, चलता है, बाइक ले लिया ना, सेलिब्रेशन हो या ना, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम GT का एक्सपीरियंस बताओ तो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, इतना स्मूथ, और जर्किंग वगैरह में भी बहुत स्मूथ चलती है एकदम, कोई दिक्कत नहीं हुआ। सो जो दिक्कत होता है बस बाइक लेने के टाइम होता है, वो एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। 3,65,000 की बाइक है, मुझे 3,75,000 में पड़ी, क्योंकि यहाँ का मेरे पास एड्रेस प्रूफ नहीं था रेंट एग्रीमेंट के अलावा, जो कि मुझे उन लोग 5,500 एक्स्ट्रा देना पड़ा। मुझे लगता है उनके पॉकेट में गया होगा, क्योंकि वो फ़ोन पे करवाया अपने नंबर पे। सो गाड़ी आ गई, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, जो कि 10-12 दिन बाद नंबर आ जाएगा, और उसके फिर 10-12 दिन बाद प्लेट आ जाएगा। दिक्कत नहीं है, 10-12 दिन तक दिक्कत है, पुलिस से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा या फिर पुलिस को थोड़ा समझाना पड़ेगा। यहाँ की पुलिस समझते हैं कि नहीं पता नहीं, अगर मैं चेन्नई में था तो वहाँ के पुलिस समझ जाते थे। सो 10-12 दिन अभी वही 10-12 दिन नंबर आने में लगेगा, तब तक थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा। वैसे मैं बताऊँ तो राइड GT की तो जो पैसा वसूल है एकदम ज़बरदस्त है, बस आप शोरूम वालों के फ्रॉड से थोड़ा बचे रहें। अगर आपको दूसरे स्टेट में बाइक लेना है, अगर पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैं बता दिया था, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ, अगर दूसरे स्टेट में आपको बाइक लेना है, अगर वहाँ का आपके पास कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सबसे पहला आपको वहाँ पे होना चाहिए कि क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ये सब ऑप्शन देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लीजिए, नहीं तो फिर गैस का बिल देख लीजिए, नहीं तो फिर वाटर बिल देख लीजिए। इस समय मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट था, लेकिन रेंट एग्रीमेंट में भी स्टैम्प नहीं था, बस मेरा और लाइसेंस ओनर का साइन था, तो वो भी नहीं चल रहा था। वो होने से अगर ऑनलाइन जाके आधार कार्ड के लिए अप्लाई करोगे एड्रेस चेंज पे, तो वो हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब हो जाता है तो फिर आराम से हो जाएगा 100-200 रुपये में, लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है तो शोरूम वाले स्कैम करते हैं यहाँ पर, ठग सारे बंद कहना बताया मैं 5,500 लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा मुझे पड़ गया, क्योंकि मैं इधर उधर अभी कहाँ जाता है, ऊपर से मुझे काम भी करना था, अभी पूरा सप्ताह वीक फ्री नहीं हो, तो इसलिए ये करना पड़ा। या फिर आप बैंक में जाके, तो सबसे अच्छा है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बैंक में जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो, वहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा। तो ये सब बातों का ध्यान रखें, जो कि बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आप लोग सोचोगे बाइक जाके पैसा दे देंगे, बाइक ले लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है एड्रेस प्रूफ जहाँ रहते हो वहाँ का, अगर आप वहाँ का बाइक ले रहे हो तो उसी स्टेट में, तो ये बात आप माइंड कर लीजिएगा। वैसे चलाने में तो मक्खन है, ज़बरदस्त है एकदम बाइक, मज़ा आ गया। कुछ नहीं है 390 के सामने, Duke 390। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि अब बाइक खरीद लिया, इसमें मॉडिफिकेशन कराना है, एग्जॉस्ट वगैरह लगाना, तो सारा वीडियो आने वाला, कौन सा एग्जॉस्ट कहाँ लगाएंगे, कैसे क्या लगाएंगे, कितना कॉस्ट पड़ेगा। सो बने रहिएगा, और GT में पूरा ब्लॉग आते रहेगा, और कोलकाता के सारे अच्छे प्लेसेस पे आएगा, और इवन भी मैं कुछ दिन बाद बाहर जाने वाला टूर करने के लिए, सारे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो आप लोग बने रहेगा इस चैनल पे, और नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।